हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बायो के वन लाइनर की पहली क्लास की। जी हां दोस्तों, हम लोगों ने वन लाइनर का सीरीज स्टार्ट करा था जिसमें हम लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री के दो वन लाइनर सेशन को देख चुके हैं और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बायो के पहले वन लाइनर सेशन की बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जितने भी वन लाइनर करवा रहा हूं ये सारे आपके रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। और मैंने क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि जो मैं आपको वन लाइनर करवा रहा हूं इसका फुल्ली पर्पस सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्ज़ाम है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग पीरियडिक टेबल का बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। जी सर, आप मंडे तक वेट कर लीजिए, मंडे को आपको पीरियडिक टेबल का वीडियो मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस बायो के वन लाइनर की और देखते हैं एग्ज़ाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। हम लोग देखते हैं अपने वन लाइनर को और ध्यान में रखिएगा, एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि आपका वन लाइनर के अंतर्गत ही लगभग में जो कुछ भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा कवर हो जाए। तो उसी दरमियान हम लोगों ने पहला जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने के लिए लिया है वो है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी के फादर और जूलॉजी के फादर दोनों किसको बोला जाता है? तो सर अरस्तु को, और अरस्तु को आप लोग कहीं कहीं पे इंग्लिश में अरिस्टोटल पढ़ते हैं। तो ध्यान में रखिएगा सबसे पहला चीज़ ये कि सर जीव विज्ञान बोलते किसको हैं, बायोलॉजी बोलते किसको हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर जिस सब्जेक्ट में, साइंस के जिस सब्जेक्ट में या जिस विषय में हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और आप सबों को पता है कि एनिमल भी है बायोलॉजी में और प्लांट भी है बायोलॉजी में। तो जीव विज्ञान को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला क्या बोलते हैं सर, जंतु विज्ञान। पहला को क्या बोलते हैं हम लोग, जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग एनिमल किंगडम बोलते हैं। और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं सर, पादप विज्ञान। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं सर, पादप विज्ञान, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो एक बेसिक लेवल पे जो हम लोग बायोलॉजी को कैटेगराइज करते हैं वो किस भाग में कैटेगराइज करते हैं? तो पहला बोलते हैं जंतु विज्ञान, मतलब क्या कि जिसमें हम लोग जंतु के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा पादप विज्ञान, जिसमें हम लोग पादप के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जूलॉजी कहते हैं। और पादप विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, बॉटनी कहते हैं। और जूलॉजी के भी फादर कौन थे सर, तो अरस्तु ही थे। जूलॉजी के फादर कौन थे सर, अरस्तु ही। लेकिन जो बॉटनी है जिसको हम लोग पादप विज्ञान बोलते हैं या वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, उसके फादर कौन थे, तो सर थियोफ्रेस्टस थे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, तो आप कहेंगे अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन थे, तो आप कहेंगे सर अरस्तु। तो यहाँ से इस पॉइंट से आप इतना सारा बात याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, जो जिसको अभी आपने डिस्कस करा, ये पहले पूछा जाता था, क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहती थी। अब आपको ज़्यादातर सेट में क्या मिलते हैं कि सर चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है। अब आपको ज़्यादातर सेट में क्या मिलती है सर, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है या चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है, तो आप सभी कहेंगे सर हिप्पोक्रेटस। इसको आप बढ़िया से याद कर लेंगे क्योंकि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं, तो आप किसका नाम लेंगे, हिप्पोक्रेटस का नाम लेंगे। किसका सर, हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है सेल, कोशिका के बारे में। क्या आप सबों को मालूम है कि कोशिका जो होती है वो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आप सभी को पता है कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब का शरीर किससे मिलके बना हुआ है, तो आप कहते हैं सर सेल से मिलके बना हुआ है। और जो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है या उनके बॉडी का जो काम करने का तरीका होता है वो सब के सब किस पे डिपेंड करता है, तो सेल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है सर, तो सेल पे। और हम लोग कहते भी हैं क्या कि सर किसी भी जीव के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, रचनात्मक इकाई होती है, जिससे वो शरीर बना हुआ है, वो क्या होता है सर, तो कोशिका होता है। वो क्या होता है सर, कोशिका होता है, सेल होता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, हम लोग ये भी कहते हैं। तो आप कहेंगे क्या इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना भाई बा, एकरा सही से क्वेश्चन पूछा जाता तो फिर पढ़ाने का कोई जरूरत ही नहीं था। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की अध्ययन करी जाती है,
तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर साइटोलॉजी, क्या कहेंगे? साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, जिसको हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे क्या कि सर कोशिका जो होती है वो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और कोशिका के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं सर, कोशिका विज्ञान कहते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पे पॉइंट चार में मार्कआउट भी किया हुआ है क्या कि सर कोशिका की खोज किसने करा? तो आप सभी कहेंगे सर रॉबर्ट हुक ने करा। कब करा? 1665 में करा। ये चीज़ सबको याद रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था सर, वो कौन सी कोशिका थी? तो सर वो मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी सर? मृत कोशिका थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मृत कोशिका को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सर रॉबर्ट हुक थे। आपके माइंड में सवाल आएगा कि तब ये बताइए जीवित कोशिका को किसने खोजा? तो ध्यान में रखेंगे कि सर जीवित कोशिका को ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने खोजा। किसने सर? ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा? जीवित कोशिका को खोजा। तो आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जीवित कोशिका को खोजने वाले या जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आप किसका नाम लेंगे? ल्यूवेन हॉक का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे सर? ल्यूवेन हॉक का। और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो 1665 में की थी। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? हम लोग रटते रहते हैं। तो भाई हमेशा ध्यान में रखेंगे कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, को हम लोग ऑस्ट्रिच बोलते हैं। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। और जब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप कह सकते हैं माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। क्या कहेंगे? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। यही चीज़ कहीं कहीं पे आपको PPLO भी लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है सर? PPLO। तो ध्यान में रखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। अच्छा, अब आपसे ये पूछ दे कि सबसे लंबी कोशिका, तो आप क्या कहेंगे कि सर न्यूरोन, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका ये क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है सर? सबसे लंबी कोशिका होती है। अच्छा, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जब हम यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं तो आपके मन में सवाल आएगा कि आपने बोला कि बायोलॉजी को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहला प्लांट किंगडम बोलते हैं, दूसरा एनिमल किंगडम। जूलॉजी और बॉटनी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो एनिमल का भी बॉडी सेल से बना होगा और प्लांट का भी बॉडी सेल से बना होगा, ऑब्वियसली दोनों का बॉडी किससे बना होगा? सेल से बना होगा। लेकिन दे हैव अ डिफरेंसेस, इसके पास में डिफरेंस है। वो डिफरेंसेस क्या है कि प्लांट के जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल के जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सर प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। मेरे मित्र, अगर आप इतना सारा पॉइंट याद रखते हैं तो मेरे ख्याल से अगर इसके इर्द गिर्द भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आप कहिएगा सर कैसे? तो आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ही बताइए कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? हिप्पोक्रेटस थे सर। आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? तो आप क्या कहेंगे सर? अरिस्टोटल थे। निम्नलिखित में से वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। निम्नलिखित में से जीवित कोशिकाओं को खोजने वाले कौन थे, या सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? तो आप कहेंगे ल्यूवेन हॉक। या आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्लांट सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे मुख्य अंतर है। आपका ऑप्शन रहेगा कि प्लांट सेल कोशिका भित्ति की, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होता है, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि सर प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है।
तो अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द कहीं भी मिलेगा तो उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर आप अभी तक नोट नहीं कर पाए इसको तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर की बात कर लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है यहाँ पे सातवें नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि समसूत्री विभाजन के चलते जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। देखिए अब आप इसको रट सकते हैं ऐसे कि समसूत्री विभाजन के चलते जीवों में वृद्धि और विकास होता है, समसूत्री विभाजन के चलते वृद्धि और विकास होता है, लेकिन कब तक रटिएगा? देखिए पहले तो आप ये समझिए कि सर समसूत्री विभाजन क्या होता है और ये कहाँ से आया। तो मेरे मित्र आप सभी कोशिका विभाजन का नाम सुने होंगे। अच्छा कोशिका विभाजन क्या होता है आप सभी कह सकते हैं सर कुछ? तो आप कहेंगे कि सर कोशिका के द्वारा नए सेल बनाने का जो प्रक्रिया होता है, न्यू सेल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। या हम लोग ये भी कहते हैं सर कि कोशिका के द्वारा अपने नए संतति सेल का जो जन्म देने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। जी हाँ मेरे मित्र, कोशिका विभाजन के दौरान ही या कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा ही आपको नया सेल आपके बॉडी में मिलता है। तो आप सीधे सीधे सही अर्थ में आप कोशिका विभाजन के बारे में क्या कह सकते हैं कि सर कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जो पहले से सेल हमारे बॉडी में उपस्थित होता है वो नए सेल का क्या करती है? निर्माण करती है या नए सेल को क्या करती है सर? जन्म देती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कोशिका विभाजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है असूत्री विभाजन जो जनरली आपको शैवाल में दिखेगा या जो आपके निम्न कैटेगरी के पौधा हैं उनमें दिखेगा, और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। दूसरा क्या होता है? समसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा क्या होता है सर? अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे असूत्री विभाजन जो है ये शैवाल वगैरह में होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन आपका माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों क्या होते हैं? जो बड़े कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल में होते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है कि जो आपका एक पैरेंट सेल होता है वो क्या होता है कि दो समान गुण वाले डॉटर सेल में टूट जाता है। एक पैरेंट सेल दो समान गुण वाले डॉटर सेल में टूट जाता है, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। अगर हम लोग समसूत्री विभाजन के अर्थ को पता लगाने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं सर कि जो समसूत्री लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सम का तो मतलब हो गया सर समान। सम का मतलब क्या हो गया? समान। ये जो सूत्री लिख रहे देख रहे हैं ना सर यहाँ पे, इसका सेंस हो जाता है गुण सूत्र से। किससे? गुण सूत्र से। तो आपका समसूत्री कोशिका विभाजन ऐसी कोशिका विभाजन है जिसमें पैरेंट सेल जो होते हैं वो दो समान गुणसूत्र वाले डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं सर? टूट जाते हैं। और ये जो समसूत्री विभाजन होता है ये शरीर के वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होता है, और इसके द्वारा जो आपको नया सेल मिलता है वो आपके उस सेल का रिप्लेसमेंट करता है, या आप कह सकते हो कि उस सेल को आपके बॉडी से हटा देता है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है या उपापचयी प्रक्रिया के दौरान उसमें टूट फूट आ गई है। तो आपका कोशिका विभाजन के दौरान जो नई कोशिका मिलती है वो आपके शरीर के क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाती है, नए अंग के निर्माण में सहायक होती है, और जो उसका मेन फंक्शन होता है वो निर्वहन करती है। आप कहेंगे सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है? तो सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि सर जो आपका एक पैरेंट सेल होता है वो कितने डॉटर सेल में टूट जाता है सर? चार डॉटर सेल में टूट जाता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है सर वो उसमें क्या होता है कि एक पैरेंट सेल जो होता है वो आपके चार डॉटर सेल में टूट जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि समसूत्री विभाजन में दो डॉटर सेल में टूटता है और अर्धसूत्री विभाजन में चार डॉटर सेल में टूटता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा कि सर कोशिका की आत्महत्या की थैली। आप सबों को पता होगा कि सर सुसाइडल बैक ऑफ द सेल हम लोग किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? लाइसोसोम को। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? पाचक रस पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूस इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो अपने ही सेल को क्या करता है सर? ले डूबता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन है? लाइसोसोम है। अच्छा आप सबों को मालूम होगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सर प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री क्या कहलाएगा सर? राइबोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर?
राइबोसोम कहलाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सर प्रोटीन का फैक्ट्री कौन कहलाता है, राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। कोशिका का पावर हाउस या विद्युत गृह कौन कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है पत्तियों का रंग पीला किसके चलते होता है, तो आप सब कहेंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति के चलते आपका प्लांट का जो लीफ होता है वो आपको हरा दिखता है। लेकिन अगर प्लांट के लीफ में कैरोटीन का निर्माण होना शुरू हो जाता है, कैरोटीन का निर्माण होना शुरू हो जाता है तो जो आपका लीफ है उसका कलर आपको कैसा दिखेगा, तो आपको पीला दिखता है। सर कैसा दिखता है, पीला दिखता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी वन लाइनर थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब अगर इसके आसपास में भी कोई क्वेश्चन फटकेगा तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।